हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 1 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यू डिस्कशन की तरफ। इससे पहले देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए अन अकेडमी की तरफ से कि अन अकेडमी पर आप कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। इससे आपको 10% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर अन अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कॉन्टैक्ट है वो ले सकते हो। तो अब देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो हमारी न्यूज आई है वह है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। देखो गवर्नमेंट है वो एक बिल लेके आई थी 2016 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। अब ये एक्चुअली लोकसभा से तो पास हो चुका है बट राज्यसभा में पास अभी तक नहीं हुआ है। तो उसी को लेके काफ़ी बार इसके लेके कुछ डिफरेंट टाइप की न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 वो कहता क्या है और क्यों इसको लाया गया है। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट जो बिल्स होते हैं उन पर कई बार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेती हैं। देखो एक तरफ आपको पता है कि आसाम में नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर अगर हम बात करें पूरे में ही तो एनआरसी को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज सवाल हैं वो उठ रहे हैं। जो बाहर से रिफ्यूजीज वगैरह हैं उनको वापस बाहर करने की बातें हैं वो की जा रही हैं। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इश्यूज हैं। तो बेसिकली जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 था इसका ये मोटो था कि जो इलीगल माइग्रेंट, ध्यान से सुनना, वो इलीगल माइग्रेंट जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो अफगानिस्तान से आ सकते हैं, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। मतलब हमारे पड़ोस की तीन कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है अगर वो इलीगल माइग्रेंट के तौर पे इंडिया में आ गई है तो उनको सिटीजनशिप है वो दी जाएगी। अब देखो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो आपको पता है इंडिया में तो माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी की हम बात करें तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, केवल इन्हीं 6 धर्मों को लेकर बात की गई है कि भाई इन 6 धर्मों के लोग जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं और इलीगल तरीके से इंडिया में आ गए हैं तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप है वो दी जाएगी। बस इसके लिए कंडीशन ये है कि वो 6 साल कम से कम है वो यहाँ पे रहें और कोई भी उनको मतलब किसी तरीके का वायलेंस वगैरह में वो शामिल है वो ना हो। अदरवाइज देखो अभी हमारे देश में क्या प्रावधान है, अगर बाहर का कोई भी नागरिक इंडिया की नागरिकता लेना चाहता है तो कम से कम उसको 12 साल है वो यहाँ रुकना पड़ता है, इसके बाद में ही वो नागरिकता के लिए अप्लाई है वो कर सकता है। अब देखो ये इसको लेके इश्यू क्या है, सबसे बड़ा इश्यू तो इसको लेके ये है कि एक तरीके से ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है कि संविधान के समक्ष सभी धर्म समान है, राइट टू इक्वलिटी की बात है वो यहाँ पे कर रहा है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभी धर्मों को समान तवज्जो नहीं दी गई है, कुछ धर्मों को छोड़ दिया गया है। जैसे कि हम बात करें जूज को छोड़ दिया गया है, मुस्लिम्स कम्युनिटी को, तो इसीलिए इस बिल का विरोध है वो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। गवर्नमेंट का देखो तर्क ये है कि भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो तो इन कंट्रीज में आराम से रह सकती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, बट जो अदर कम्युनिटी है यानी कि हिंदू हुए, सिख हुए, बुद्धिस्ट हुए, जैन हुए, पारसी और क्रिश्चियन, इनको वहाँ नहीं रहने दिया जाता है। इसीलिए अगर ये माइग्रेंट के तौर पर इंडिया में आते हैं तो इनको रहने दिया जाए या इनको यहाँ पर नागरिकता प्रोवाइड की जाए। तो ये आप ध्यान रखना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 क्या है। अब देखो आसाम इसका विरोध क्यों कर रहा है, आसाम इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी क्रिश्चियन हैं और वो इलीगल तरीके से एक तरीके से आसाम में आके रहने लग गए हैं। तो आसाम इसका विरोध कर रहा है कि नहीं भाई आप ऐसे नागरिकता नहीं दे सकते, अदरवाइज हमारी डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है और इससे हमें काफ़ी नुकसान है वो हो रहा है। तो इसीलिए आसाम और नॉर्थ ईस्ट के और बाकी स्टेट भी काफ़ी इसका विरोध है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं कि UNCTAD है क्या। देखो ये बेसिकली एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1964 में इस्टेब्लिश है वो की गई थी और यह एक तरीके से यूनाइटेड जो सेक्रेटेरिएट है, UN के 6 ऑर्गन है ना इंपॉर्टेंट, उसमें जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है उसी का एक अहम पार्ट है। अब ये काम क्या करती है, देखो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि जो UN इकोसोक है ना उसको बेसिकली एक तरीके से काफ़ी सारी गाइडलाइंस मतलब जो डायरेक्शंस हैं वो प्रोवाइड करवाती है और काफ़ी रिपोर्ट्स हैं वो भी उनको दी जाती हैं। एक्चुअली ये ट्रेड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसको प्रमोट करने के लिए भी काम है वो करती है। इसी के साथ हम अगर और बात करें इम्पोर्टेंट तो ये है एक जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप है, आपको ध्यान होगा UNDG, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, इसी का भी यह एक पार्ट है।
अगर हम बात करें इसके और तरह के काम, तो देखो ये जो आपस में कंट्रीज हैं, मेनली अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री की, तो यह डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करती है ताकि जो ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो वैश्वीकरण है, इसकी इकोनॉमी का जो इफेक्ट है या जो बेनिफिट्स हैं वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी मिल सकें। ऐसा नहीं होगा कि और डेवलप कंट्री ही ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा लें, बाकी और भी कंट्री हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन के जो डिपार्टमेंट है, एजेंसी है, उसमें कोऑर्डिनेशन का काम करती है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट हैं जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है, उनको लेके डेवलपिंग कंट्री किस तरीके से स्टेप उठा सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से वो अपने ट्रेड को स्मूथ कर सकती हैं, और कौन सी ऐसी मैकेनिज्म यूज़ करें जिससे वहाँ पे उनके पास इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आएँ और एक तरीके से उनको तरक्की है वो मिले। इन सब को लेके ये काम है वो करती है, यानी कि ट्रेड है उसको डेवलप करने को लेके ये काम है कॉन्फ्रेंस वो करती है। अब हम ये देखते हैं कि न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ देखो ये थी कि यूनाइटेड नेशन की जो है UNCTAD ब्रांच है, ये हम बात करें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसने अभी एक सजेशन दिया, सुझाव दिया, अभी इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम था ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। और इस रिपोर्ट में उसके द्वारा ये कहा गया कि भाई जो ऑल ओवर वर्ल्ड है ना, इसमें यूनिटरी टैक्सेशन सिस्टम है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज के द्वारा, यानी कि जो भी कंपनीज हैं ऑल ओवर में उनके लिए जो टैक्स सिस्टम है ना वो एक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, बात ले लो आप, जो कॉर्पोरेट टैक्स है सभी के लिए सभी कंट्रीज में इक्वल सा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि मार्केट में एक ट्रांसपेरेंसी के तौर पे कंपटीशन है वो बूस्ट होगा, कंट्रीज हैं वो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगी जिससे उनके वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। इसीलिए यूनिटरी यानी कि एक रूपता जो टैक्स है उसमें एक रूपता होनी चाहिए ताकि जो मल्टीनेशनल इंटरप्राइज हैं उनको भी बेनिफिट हो और कंट्रीज़ के लिए भी फायदा हो और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े। देखो आपको पता है इंडिया ने अभी भी कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम किया था, लगभग 22% के आसपास है वो कर दिया था, वो इसीलिए कम किया था ताकि इंडिया में FDI है वो बढ़े। तो इसके द्वारा भी ये सुझाव दिया कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर एक जैसी रेट होगी ना तो इससे मार्केट में जो भी कंपनीज हैं वो आराम से रह सकेंगी, एक ट्रांसपेरेंसी के तरीके से कंपटीशन है वो आगे बूस्ट होगा। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, ये बेसिकली चार रिपोर्ट जारी करती है। अब देखो आप चार रिपोर्ट ध्यान रखो ना रखो, बट ये पहली रिपोर्ट आप जरूर ध्यान रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा चार रिपोर्ट में पहली तो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके बाद में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसके बाद में है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इसके बाद में है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। तो आप पहली और दूसरी दोनों याद है वो रख सकते हो। पहली तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ऑलमोस्ट रहती है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है, इसी के साथ ही वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है काजिंत एक्सरसाइज 2019 को लेके। देखो यह एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। अब आप ये बताइए कि कजाकिस्तान है वो कहाँ की कंट्री है, थोड़ी इसकी लोकेशन आप गूगल में जाके देखिए या अपने पास जो ऑक्सफर्ड का जो भी मैप है वहाँ पर आप इसकी लोकेशन देखिए, इसके नियर बाई कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन देखिए, क्योंकि लोकेशन अगर आप मैप में डेली देखोगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अभी देखो ये जो एक्सरसाइज है काजिंद, ये बेसिकली उत्तराखंड की जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे शेड्यूल की गई है, 3 से 15 अक्टूबर के बीच में इसको आयोजित किया जाएगा। इसका फोकस रहेगा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए किस तरीके के ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस है वो रहेगा। अब देखो ये एक तरीके से अल्टरनेटिव होती है, मतलब एक साल इंडिया में एक साल कजाकिस्तान में, तो ये आप एक छोटा सा फैक्ट है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है वो है मालाबार एक्सरसाइज 2019। देखो मालाबार एक्सरसाइज है इसका 23rd सेशन है वो अभी आयोजित है वो किया जा रहा है, और यह ध्यान रखना यह बेसिकली एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है और नेवी एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेरी टाइम नेवी एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल मतलब तीन कंट्रीज हैं, इंडिया है, जापान है और USA। आप ये बताइए कि मालाबार एक्सरसाइज है वो स्टार्टिंग में स्टार्ट कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई थी। स्टार्टिंग में दो ही कंट्री के बीच में हुई थी, इसके बाद में एक कंट्री इसमें शामिल है वो की गई थी, और अभी ये जापान के कोस्ट पर आयोजित है वो की जा रही है। 2019 का जो एडिशन है इसका फोकस रहेगा इंडिया, जापान और US में आपस में नेवल कॉर्पोरेशन किस तरीके से हो, इसी के साथ ही इंटर ऑपरेबिलिटी पे फोकस रहेगा और आपस में जो अपनी आइडियाज़ हैं, स्किल्स हैं, प्रिंसिपल हैं उनको शेयर किया जाएगा ताकि एक दूसरे की जो आप बोल सकते हो कि नेवी है उसको स्ट्रेंथ है वो किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो आया है गोल्ड स्मेटाइट के बारे में। देखो यह अभी एक नई आप बोल सकते हो कि एलिमेंट या नया मिनरल है जो अभी डिस्कवर है वो किया गया है। यह बेसिकली साउथ अफ्रीका की एक डायमंड माइन थी, उसके अंदर डायमंड्स में से डिस्कवर है वो किया गया है। अब देखो आपको पता है कि मेनली जो ये गोल्ड स्मेटाइट है ये बेसिकली मेंटल में पाया जाता है,
और आपको पता है मेंटल है हमारे अर्थ का लगभग 80% हिस्सा है, वो वॉल्यूम है कवर है वो करती है। देखो इसमें काफ़ी सारे जो रेयर मिनरल्स हैं ना अर्थ में एलिमेंट्स वो पाए जाते हैं, इसलिए इसकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। चलो आप एक चीज़ ये बताइए कि रेयर मिनरल क्या होता है और सबसे ज़्यादा जो रेयर मिनरल्स हैं वो कौन सी कंट्री है वो एक्सपोर्ट करती है, कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा रेयर मिनरल के अभी स्टॉक हैं वो है। इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह बेसिकली डार्क ग्रीन कलर का है और इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रांसपेरेंट है वो नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही चल गया होगा। तो बस ये ध्यान रखना डिस्कवर कहाँ पे अभी किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आई है INS विक्रमादित्य के बारे में, तो देख लेते हैं INS विक्रमादित्य के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो पहली बात तो आपको बता दूं इसके बारे में कि यह इंडिया ने नहीं बनाया है, यह बेसिकली USSR मतलब जो पुराना रसिया था रूस था उसके द्वारा डेवलप किया गया था 1987 में। इसके बाद में जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया था 1990 के बाद में, तब इसको USR ने थोड़ा बहुत यूज़ किया और 1996 में USR ने इसको इंडिया को है वो दे दिया था बाद में। तो बेसिकली यह एक केव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब आप इसमें एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनको कैरी है वो कर सकते हो, जो भी मिलिट्री के एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनके लिए, तो उसको मॉडिफाइड करके इसको यूज है वो किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखना कि इंडिया ने कहाँ से है वो लिया है। तो सबसे पहले इसको 1987 में कमीशन किया गया था, इसके बाद में सोवियत नेवी ने इसको रशियन नेवी को, क्योंकि उस टाइम पे USSR था नाम, उसके बाद में रशिया नाम हो गया, तो रशिया ने इसको यूज़ किया और इसके बाद में 1996 में इसको वहाँ से डिकमीशन करके इंडिया को है इंडिया ने इसको ले लिया और अभी इस इंडिया इसको मॉडिफाइड करके यूज है वो कर रहा है। तो ये ध्यान रखना कि ये इंडिया मेड नहीं है, ये बेसिकली इंडिया ने वहाँ से खरीदा था और अभी इसको इंडिया यूज है वो कर रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है गालो कम्युनिटी के बारे में। देखो जो गालो कम्युनिटी है ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की 26 मेजर कम्युनिटी में से एक है। ये आप ध्यान रखना, UPSC जो ऐसी कम्युनिटी ट्राइब्स होती हैं इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेती हैं। अब देखो ये जो कम्युनिटी इसको गालोस या गालो दोनों नामों से जाना है वो जाता है, ये बेसिकली एक थानी ग्रुप है जो कि आसाम अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत वाला वो रीजन है मतलब नॉर्थ ईस्ट का उस वाले बेल्ट में एक ग्रुप पाया जाता है और उसी का एक पार्ट है गालोज कम्युनिटी। इसका जो मेन फेस्टिवल है उसका नाम है मोपिन, मोपिन इनका एक मेन फेस्टिवल है गालोस कम्युनिटी का, जो कि उनके गांव की प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए है वो आयोजित किया जाता है। यहाँ पे इनका एक डांस है वो भी आप ध्यान रखना, वो है पोपियर, पोपियर डांस है वो गालोस कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक डांस है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, देखते हैं क्या है। देखो फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर यानी कि बाथुकामा, ये बेसिकली तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है, पहला फैक्ट तो ये हो गया। इंपॉर्टेंट बात अभी क्या ही है कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने अभी यहाँ पे बाथुकामा फेस्टिवल है इसको यानी कि फ्लो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है इसको भी आयोजित है वो है किया है। देखो ये एक ट्रेडिशनली जो आयोजित किया जाता है वो वुमेन जो होती हैं उनके द्वारा परफॉर्म है वो किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये जो हिंदू कैलेंडर होते हैं, जैसे हिंदू कैलेंडर का जो भाद्रपद महीना होता है उसकी अमावस को है ये मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना कि हिंदू कैलेंडर के जो भाद्रपद मंथ होता है उसकी अमावस्या को इसको परफॉर्म है वो किया जाता है और तेलुगु वर्जन का जो कैलेंडर उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। बेसिकली हम बात करें बाथुकामा, बाथुकामा का मतलब होता है मदर गॉडेज कम एलिव, तो ये आप ध्यान रखना कि ये स्टेट फेस्टिवल कहाँ का है और इसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी है वो जाना जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है INS नीलगिरी। देखो INS नीलगिरी है वो इंडिया का एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जो कि एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17A, तो आप ये ध्यान रखना प्रोजेक्ट 17A है उसके तहत क्या कौन सा शिप है वो बनाया गया है INS नीलगिरी। देखो यह बेसिकली एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, फ्रिगेट का मतलब ये हो गया कि छोटा शिप है जो कि गश्तिंग वगैरह इसके लिए पेट्रोलिंग वगैरह के लिए यूज है वो होता है कुछ इस तरीके का, इसका नाम है INS नीलगिरी। तो यह है प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आप ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो प्रोजेक्ट 75AB1 वो किस रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 17A तो आप अभी यहाँ देख लिया आपने, पर प्रोजेक्ट 75A है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताना। और यह शिवालिक क्लास का एक आप बोल सकते हो कि एयरक्राफ्ट है, सॉरी जोशवाली क्लास का एक शिप है जो कि इंडियन नेवी की जो आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ है इसको बूस्ट करने वाला है और इसमें इंडिजिनस जो वेपन्स है इंस्ट्रूमेंट है सेंसर्स वगैरह हैं उनका यूज है वो किया गया है। तो एक तरीके से जो कोस्ट एरिया की सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करने में अहम भागीदारी निभाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है सरस्वती सम्मान। देखो सरस्वती के नाम से आप समझ गए हो कि ऑब्वियसली एजुकेशन से रिलेटेड यह अवार्ड है वो है। तो यह इंडिया का एक हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन है
लिटरेचर के फील्ड में अवार्ड, मतलब कि इंडिया में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है वो है सरस्वती सम्मान। और यह जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ये आप ध्यान में रखना। इस अवार्ड में बेसिकली 15 लाख रुपये और इसी के साथ ही चेक साइन है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात क्या है, लिटरेचर फील्ड में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है सरस्वती सम्मान, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है लिटरेचर के एरिया में, जिसने काफ़ी अच्छा काम किया हो। अब देखो यहाँ पे बात ऐसी है कि लिटरेचर के अंदर कौन कौन सी बुक जो लैंग्वेज है उनको इंक्लूड किया गया है। देखो अगर हम बात करें तो हमारा जो 8वां शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में जो जो लैंग्वेज इंक्लूड किए गए हैं उनके लिटरेचर साहित्य में जिसने भी अच्छा काम किया हो, वो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रखा हो और 10 साल तक उन्होंने काफ़ी बढ़िया मतलब अपना रिप्रेजेंटेशन शो किया है, उनको इस सम्मान से नवाजा है वो जाता है। इसी के साथ ही ये जो अवार्ड है वो बेसिकली जो राजस्थानी राइटर्स हैं उनको भी दिया जाता है और जो हिंदी राइटर्स हैं उनको तो दिया ही जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो के बिरला फाउंडेशन है इसके द्वारा एक दो अवार्ड और हैं, एक है व्यास सम्मान जो कि हिंदी फील्ड के लिए दिया जाता है और एक है यहाँ पे बिहारी पुष्कर जो कि हिंदी और राजस्थानी लैंग्वेज के लिए वो दिया जाता है। तो ये आप दो तीन चीज़ें वो ध्यान रखना कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 8th शेड्यूल में सिर्फ जो लैंग्वेज हैं उनके लिए अवार्ड है वो दिया जाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 8th शेड्यूल में सबसे लेटेस्ट कौन सी लैंग्वेज है वो ऐड की गई है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ध्यान रखना जो व्यास सम्मान अवार्ड है वो हिंदी के लिए दिया जाता है और जो बिहारी पुष्कर अवार्ड है वो हिंदी और राजस्थानी राइटर के लिए दिया जाता है, जबकि सरस्वती सम्मान है वो केवल और केवल 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उन्हीं के लिए दिया जाता है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।